हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू श्वेता स्पेशल फूड। और मैं हूँ श्वेता। आज मैं आप सबके लिए बहुत ही रिफ्रेशिंग ड्रिंक की रेसिपी लेके आई हूँ। आज मैं बनाऊँगी मसाला छाछ, जो कि बहुत ही हेल्दी होता है और बहुत टेस्टी होता है। इसे आप डेली रूटीन में शामिल कर सकते हैं। अगर आप डाइट करते हैं तो इसे आप अपने डाइट में भी ले सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी होता है। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने एक मिक्सर जार लिया है। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे, ये एक चम्मच है हरा धनिया कटा हुआ और एक चम्मच पुदीना के पत्ते हैं। मैं एक ग्लास की क्वांटिटी बना रही हूँ, इसके लिए मैंने इतना लिया है। आधा चम्मच भुना हुआ जीरा है, आप इसमें जीरा पाउडर भी डाल सकते हैं। और दो बड़े चम्मच है दही, मैंने घर की फ्रेश दही यूज़ की है। और इसमें डालेंगे आधा चम्मच काला नमक। अगर आपको तीखा चाहिए तो आप इसमें आधी हरी मिर्च भी डाल सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। और इसे हमें ब्लेंड करना है। और ये देखिए, इसे मैंने ब्लेंड कर दिया है। तो अब हम इसमें डालेंगे आधा ग्लास पानी। आधा ग्लास पानी डालने के बाद इसे वापस से ब्लेंड करना है। और ये ब्लेंड हो चुका है और ये मसाला छाछ हमारा बिल्कुल तैयार है। तो अब मैं इसे एक ग्लास में सर्व करूंगी। ये बिल्कुल मार्केट के जैसा मसाला छाछ घर पे ही बन के तैयार है। बहुत ही ज़्यादा रिफ्रेशिंग होता है, बहुत टेस्टी लगता है, हेल्थ के लिए भी बहुत ही ज़्यादा ये फ़ायदेमंद है। और यहाँ पे मैंने होममेड चाट मसाले के साथ में इसे स्प्रिंकल किया है, जिससे इसका लुक और टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और मैं हमेशा इसे घर पे बनाती हूँ। इसे आप अपने लंच के साथ में भी या ब्रेकफास्ट में भी ले सकते हैं, बहुत ही हेल्दी होता है। तो रेसिपी कैसी लगी, पसंद आई है तो लाइक करिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।